नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज की क्लास खाली मोटिवेशन की क्लास नहीं है, एक ऐसा रास्ता है जिसका चुनाव शायद आपको सफलता के दरवाजे तक ले जा सकता है। आज जब रीट, पटवार, एसआई, कॉलेज लेक्चरर तक की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो शायद आज की क्लास आपको एक महत्वपूर्ण दिशा दे सकती है। क्यों? क्योंकि लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक जॉब के लिए या वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। तो इस समय सभी अभ्यर्थी इस असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि क्या करना चाहिए, कौन से कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी चाहिए, किसको छोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप स्वयं चयन करेंगे कि आपको क्या करना है। एक लड़का जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, 10वीं तक की पढ़ाई की, आगे पढ़ाई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो पास के ही शहर में जाकर नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने लगा और एक दिन उसके हाथ एक न्यूज़पेपर लगा। न्यूज़पेपर में एक ऑफिस में सहायक कर्मचारी के लिए एक वैकेंसी थी। उसने सोचा, क्यों न मैं यहां पर अप्लाई करूं। वो डर रहा था, नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी परंतु उसके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती थी, इसलिए उसने डरते हुए भी और उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, फॉर्म लगा दिया। और जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन वह इंटरव्यू के लिए चला गया। जैसे ही वह इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पर उसने देखा कि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। उसको देखकर तो वह गरीब लड़का, छोटे गांव का लड़का, और भी अधिक घबरा गया। परंतु फिर भी जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और वह इंटरव्यू के लिए अंदर पहुंचा। इंटरव्यू लेने के लिए बोर्ड बैठा हुआ था, अनेक इंटरव्यूअर थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। वह भी पहुंचा, बैठा इंटरव्यू देने, अनेक प्रकार के सवाल आए, वह जैसे जो समझ रहा था उन सवालों के जवाब दिए जा रहा था। परंतु अंत में एक इंटरव्यूअर ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या आपके पास कोई ईमेल आईडी है अपनी। वहां पर वह संकुचित होकर बोला कि साहब, मेरे पास कोई मेल आईडी नहीं है, क्योंकि वह लड़का तो ईमेल आईडी के बारे में जानता तक नहीं था। जैसे ही उसने ये जवाब दिया तो इंटरव्यूअर, जितने भी बैठे थे, उन सभी ने उसे डांटना शुरू किया, उसे फटकारना शुरू किया। तुम आज के युग में ईमेल आईडी नहीं पहचानते, तुम्हें पता ही नहीं है, टेक्निक या तकनीकी इतनी आगे बढ़ गई है और तुम्हें इसका पता तक नहीं है, तुम क्या कर लोगे। और इस प्रकार उसे वहां से निकाल दिया गया। लड़का बहुत उदास हुआ, बाहर आकर एक कोने में बैठ गया और विचार करने लगा कि अब करना क्या चाहिए, क्या किया जा सकता है। उसी समय उसके दिमाग में आया कि उसकी पॉकेट में 200 रुपए थे। उसने झट से 200 रुपए निकाले और बाजार गया। बाजार जाकर उसने 200 रुपए के सेब खरीदे और गली गली जाकर उनको बेचना शुरू कर दिया। शाम तक उस लड़के ने 200 रुपए के सेब 270 रुपए में बेचकर 70 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। वो बड़ा खुश हुआ, ये दिशा अच्छी है, ये काम रुचि का है, यार ये काम कर सकता है। और उसके बाद उसने अगले दिन 270 रुपए के सेब खरीदे। धीरे धीरे प्रॉफिट आने लगा और वह अपने व्यापार में मुनाफा करने लगा। और देखते ही देखते मंडी में उसकी स्वयं की एक शॉप हो गई, एक दुकान हो गई उसकी स्वयं की। अब क्या था, उसने अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाने की सोची और धीरे धीरे उसने एक दुकान से और उसी शहर में 7 से 8 दुकान बना ली। एक दिन वह अपने गांव गया और गांव के लोगों को भी बताया कि मेरा ये काम है, शहर में मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। उसके कुछ मित्र थे जो उसके साथ हो लिए। और इस प्रकार उसने वापस शहर आकर अपने ही शहर में नहीं, पास के शहरों में भी उसने अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया। लगातार लगन व मेहनत से काम करता, जैसे ही मुनाफा आता वैसे ही वो अपनी एक नई दुकान खोल लेता। और इस तरीके से धीरे धीरे, देखते ही देखते, एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया।
अब जैसे ही ये बात चारों तरफ फैली तो सभी न्यूज चैनल्स वाले भी कि एक दसवीं पास लड़का शहर में आकर किस तरह से बड़ा व्यापारी बन गया उसका इंटरव्यू करना चाहिए। अनेक न्यूज चैनल्स वाले आए उसका इंटरव्यू करने लगे, तरह तरह के सवाल किए जाते, वो अपने हिसाब से जवाब देता जाता। एक दिन एक मैगजीन वाले ने सोचा कि मुझे भी उनका इंटरव्यू करना चाहिए। मैगजीन वाला लड़के के पास आया और उससे इंटरव्यू करने लगा, अनेक सवाल पूछे उसके संघर्ष से संबंधित, उसकी उपलब्धियों से संबंधित, और लड़के ने सभी जवाब दिए। परंतु अंत में इंटरव्यू वाले ने कहा कि सर आप अपनी मेल आईडी दीजिए, मैं ये इंटरव्यू आपको मेल कर दूंगा। अब यहां पर वह लड़का मुस्कुराया और बोला, बॉस मेरे पास कोई मेल आईडी नहीं है। और जैसे ही उसके ये शब्द मैगजीन वाले ने सुने वो तो और ही आश्चर्यचकित हो गया और कहा कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन और आपके पास कोई मेल आईडी नहीं है। और वो के वो भाषण यहां पर शुरू हो गए, सर तकनीकी का जमाना है, दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको भी अपनी मेल आईडी बनानी चाहिए। तो यहां पर लड़के ने मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मेरे पास यदि मेल आईडी होती तो शायद मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन आज नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि यदि मेल आईडी होती तो वह उसी सहायक कर्मचारी की छोटी सी नौकरी कर रहा होता। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए और अपने गोल का चयन कीजिए। अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपनी क्षमता से कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे। धन्यवाद।